हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आई हूँ बिना इलेक्ट्रिक तंदूर एवं बिना माइक्रोवेव के बिस्किट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही अधिक स्वादिष्ट और करारे हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट्स लिखिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। कुकीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 पिंच नमक, 150 ग्राम बटर, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी डेसिकेटेड नारियल, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन का प्रयोग कुकीज़ में ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे कुकीज़ का टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। आधा कप दूध। फ्रेंड्स, अब हमने एक बड़ा कटोरा लिया है, इसमें हम अपना बटर ऐड करेंगे। अभी गर्मियों के दिन है, बटर मेल्ट है, लेकिन जाड़ों में हम थोड़ा सा गैस पे रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। फिर हम इसमें अपनी पाउडर शुगर ऐड करेंगे। और इन्हें अच्छी तरह फ्लफी होने तक मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शुगर पूरी तरीके से बटर में मिक्स हो गई है, हमें बस इसे इतना ही मिक्स करना है। अब हम इसमें अपनी मैदा ऐड करेंगे। मैदा, डेसिकेटेड नारियल, बेसन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, इन सभी को मिक्स करके हमें एक डो तैयार करना है, जो कि आटे की तरह डो हो, ना ही ज़्यादा गीला हो और ना ही ज़्यादा सूखा। अगर हमारा मिक्सचर थोड़ा सूखा लग रहा हो तो हमें इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर थोड़ा सूखा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही करके यूज़ करिए, क्योंकि फिर ये गीला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इसका एक डो बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा डो बनके तैयार हो गया है, इसको हम थोड़ी देर सेट करके रख देंगे। ये हमारा डो बनके तैयार हो गया, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, तो जब तक हमारा डो बनकर तैयार होता है, तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम अपने बिस्किट बनाएंगे कढ़ाई में, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक तंदूर नहीं है, तो हम बिस्किट कैसे बनाएं। इसके लिए आज हम कढ़ाई में बिस्किट बनाएंगे। देखिए कढ़ाई, मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है, उसमें हम अपना नमक ऐड करेंगे और इसको चारों तरफ से फैला देंगे और इसे हाई फ्लेम पर गरम होने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें अच्छी स्टीम बन जाए। इसको हम पूरी तरीके से ढक देंगे। इसके लिए हम स्टीमर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो हम इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक प्लेट लेंगे, जिसको हम चारों तरफ से घी से ग्रीस कर देंगे, और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे। इसको सब तरफ से फैला लेंगे और एक्स्ट्रा मैदा निकाल कर अलग रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे एक आध बार मैश कर लेते हैं और इनकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं।
अब इसको हम दूध में डिप करेंगे और नारियल में मिक्स करेंगे। फिर से देखिए, ये हमने लोई बनाई, इसको दूध में डिप किया और नारियल में मिक्स किया। फ्रेंड्स देखिए, हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी हीट निकल रही है। अब इसके ऊपर हम अपना स्टैंड रख देंगे जो कि नॉर्मल किचन में यूज़ होता है, और फिर हमने ये थाली जिसमें बिस्किट सेट किए हैं इसको इसमें रख देंगे। एक साथ ज़्यादा बिस्कुट नहीं रखने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखने हैं। अब इसको हम ढक देंगे। फ्रेंड्स अब हम अपनी कढ़ाई को कवर्ड कर देंगे जिससे इसमें से हीट ना निकले, और गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे। इनको 20 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे और फिर देखते हैं। 20 मिनट्स। फ्रेंड्स देखिए, अब हम 15-20 मिनट बाद अपनी कढ़ाई खोल के देखते हैं कि हमारे बिस्किट कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बिस्किट निकाल के अलग कर लिए हैं। ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।